Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of fourth chapter, that is pseudochemical reaction. Pseudo means false. It may be defined as the chemical reaction which appears as higher order, but actually it follow lower order are known as pseudochemical reaction. ये वो chemical reaction होती हैं जो appear होती है, जो दिखाई तो देती हैं higher order की, but actual में ये lower order follow करती हैं. उसको बोलते हैं pseudochemical reaction. For example, हम ले रहे हैं ester की hydrolysis कर रहे हैं excess of water डाल के, तो वो किस में convert हो रहा है? Acetic acid और alcohol. In this case, molecularity or order of reaction is 2 because it involves two reacting species, that is ethyl acetate and water. However, the concentration of only ethyl acetate changes during the reaction. कहते हैं इसमें molecularity or order of reaction 2 है क्योंकि इसमें दो reactant participate कर रहे हैं. But actual में कहते होता क्या है? Only ethyl acetate during reaction चेंज होता है प्रोडक्ट में, क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली इथाइल एसीटेट पे. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओनली 1. नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है. इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट. एक ये डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन है. इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन रिजल्टिंग प्रोडक्ट. नेक्स्ट है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. एक्टिवेशन एनर्जी इट इज़ द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन. इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड टू द रिएक्शन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल. हम इसको और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड बाय द रिएक्टेंट टू मेक देयर एनर्जी नॉर्मल एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है लास्ट द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर्स द रिएक्शन. जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही रिएक्शन कम होगी, जितनी स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए कोलाइड करवाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में. और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एक्टिवेटेड जब कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कर देते हैं वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लेस है किससे, जो नॉर्मल एनर्जी से जिसे एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे, तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक. फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. When the activation energy is larger and the energy release is lesser, then the reaction is endothermic in nature. अब activated complex क्या होता है? There exist an energy barrier between the reactant and product. These energy barrier correspond to energy maxima. The arrangement of atom corresponding to energy maxima is called transition state or activated complex. जब हम activation energy देते हैं तो reactant जो है combine होकर activated complex बनाते हैं, फिर activated complex product में convert होता है by releasing energy. अगर वो release energy activation energy से कम है तो reaction endothermic है, अगर वो released energy activation energy से ज़्यादा है तो reaction exothermic है. Is it clear? Next है Arrhenius equation. This equation develop a mathematical relationship between temperature and the rate constant on the basis of observation from the large number of experiment. The temperature dependence of the rate constant K expressed algebraically as follows. K क्या है? Constant. Directly proportional to epsilon की power minus Ea upon RT. K is equal to A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. इसको वन बोल दिया. ए क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर. दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर सेकंड. ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. आर क्या है? गैस कांस्टेंट. टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड, लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉन ई. लॉन ई जो होता है बेटा इक्वल टू वन होता है, तो लॉन के इज इक्वल टू क्या आ गया? लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. कन्वर्टिंग द कॉमन लॉगरिथम वी गेट लॉग के लॉग ए माइनस, माइनस वाली टर्म को पीछे ले गए, ई ए अपॉन 2.303 आर टी. और 2.303 वहां लिखते हैं जहां पे आर हो, ठीक है. तो लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन माइनस की टर्म को अब आगे ले गया है 2.303 आर 1 बाई टी प्लस लॉग के. अब यहां पे इक्वेशन लग रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन. दिस
Thus, if we plot a graph log k versus 1 upon t, then we have straight line. तो जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये अपॉन 2.303 आर पे, जब हम ग्राफ किसके वर्सेस किसके प्लॉट कर रहे हैं, लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी के. अब एक अल्टरनेटिव मेथड है, ये कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अनदर फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इन विच ए इज एलिमिनेटेड. दिस इज बिकॉज फ्रिक्वेंसी फैक्टर ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. ई ए को कहते हैं एक अनदर तरीके से भी डिटरमाइन किया जा सकता है, जो ए है वो एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि जो ए है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली. तो मान लो के वन और के टू हमारे पास दो वैल्यू हैं ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमारे पास टी वन टी टू है. तो लॉन्ग के वन इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, इसको फोर्थ मान लिया, लॉन के टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, इसको हमने फिफ्थ मान लिया, फोर्थ, सब्सट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फाइव, लॉन के टू माइनस लॉग के वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू वन टी टू माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, माइनस की टर्म वाले को आगे ले आए, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, जो कॉमन चीज़ है वो बाहर ले लेंगे, ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, कन्वर्टिंग द कॉमन लॉग, लॉग के टू अपॉन के वन, माइनस की जो टर्म होती है लॉन में डिवाइड में आ जाती है. तो यहाँ पे लॉन को एक्चुअली किस में कन्वर्ट कर लिया गया है, नेचुरल लॉग में, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखेंगे. तो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन टी वन टी टू. ये है हमारी, अगर हमारे पास दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर दे रखे हों, ठीक है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट बेटा होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स अमाउंट और इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. अब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट डालता है, जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो एक्टिवेशन, ये विदाउट कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दी है, ये जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी वेरियर को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया. किसने कम कर दिया बेटा, कैटलिस्ट ने. कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्टेंट को फटाफट से किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में. नेक्स्ट है कोलिजन. कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. बेटा कोलिजन क्यों ज़रूरी है, अगर रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, इसमें दो एनर्जी वेरियर आते हैं, एक एनर्जी वेरियर है एक ओरिएंटेशन वेरियर है. सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती क्या है. द नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. अब एनर्जी वेरियर क्या है, In order to make collision effective, the species must have certain minimum energy, that is threshold energy. अगर कहते हैं हमने कोलिजन को इलास्टिक और परफेक्ट बनाना है तो उसकी एक मिनिमम एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो जरूर होनी चाहिए. दिस एनर्जी एक्चुअली नीडेड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट. ये एनर्जी किसके लिए जरूरी है, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. इफ द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज इज लेस then that of threshold energy, then the collision will be wasted. अगर जो हमारी एनर्जी है वो threshold एनर्जी से, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो threshold एनर्जी से कम है, तो जो हमारा collision है वो वेस्ट हो जाएगा बिना प्रोडक्ट बनाए ही, ठीक है. सेकेंड हमारा जो वेरियर है वो है ओरिएंटेशन वेरियर. अगर कहते हैं रिएक्टेंट प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. बट इससे ज़्यादा एनर्जी वेरियर ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो एक ही वेरियर इसमें काम करता है.